विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के तत्वावधान में आरक्षण जन चेतना रैली का आयोजन चंपा देवी पार्क में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री व वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में मंत्री मुकेश साहनी ने कहा कि जब तक हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, वोट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारा निषाद समाज 2014 व 2017 तथा 2019 में भाजपा को 100% वोटिंग किया था, लेकिन अभी तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला, जबकि केंद्र सरकार 72 घंटे के अंदर निषादों को आरक्षण दे सकती है। उन्होंने कहा अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा 2022 विधानसभा व लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरू साहनी, श्यामलाल निषाद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के संस्थापक तथा बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी ने कहा, स्वामी जी अब इसी के अगले कड़े में नेतू सिंह निषाद प्रदेश अध्यक्ष आरक्षण जन चेतना रैली की शुभारंभ हो रही है। जितने नाम बोले गए हैं उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा नहीं जाएगा। पिताजी माने आत्माराम जी अपने मंच पर आ जाए। माने आत्माराम साहब, माने आत्माराम साहब अगर आए धन्यवाद देता हूँ कि मजबूती से आपने एक मल्ला को बेटा को स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस समारोह में उपस्थित हमारे संतोष साहनी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश साहनी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरू साहनी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के संतोष साहनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे भाई राजाराम बिंद जी, इस सभा में उपस्थित हमारे अवध के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शांति मजवार जी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम का हरिओम निषाद जी और प्रदेश अध्यक्ष बुंदेलखंड के संतोष कुमार निषाद जी जो हमारे यहाँ उपस्थित है, निषाद विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल गुरु जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रमेश केवट जी, आत्माराम निषाद जी जो हमारे शहीद अखिलेश जी के पिताजी हैं यहाँ उपस्थित हैं, गंगा प्रसाद निषाद जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री प्रशांत सिंह ठाकुर जी अंकुर, श्री राम भारत निषाद जी प्रदेश युवा अध्यक्ष मोर्चा के, हमारे बिहार से उपस्थित यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद भी जी, भूले निषाद जी यहाँ पे उपस्थित, मिथिलेश मझवार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, रामनाथ निषाद जी, कमांडर सही होना था
लेकिन थोड़ा पैर में दिक्कत होने के कारण ये कार्यक्रम को 27 तारीख को किया गया है और अभी शाम का जल्दी ढल जाता है, ठंड का समय आ गया, धूल के कारण हमें जल्दी यहाँ से जाना भी है और आप सभी को जाना सुबह से निकले हुए हैं और अभी यहाँ पे बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं। मैं कुछ ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। बस मैं अरे क्या जी, मुझे याद है कि 2016 में भी यही चंपा देवी पार्क में आप लोगों ने हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित होकर और अपने समाज के हर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मैं भी 2016 से लगातार, ऐसे तो देखा जाए 2013 से बिहार में समाज के हक अधिकार के लड़ाई लड़ते लड़ते उत्तर प्रदेश तक अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। पहले मैं चाहूंगा कि मेरे बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में मुझे खेलना कूदना था, स्कूल कॉलेज जाना था, उस उम्र में अपने घर परिवार माँ बाप बहन बहन सबको मैंने छोड़कर अपने गांव से दूर मुंबई जैसे शहर में मैं चला गया। वहां पे मैंने 900 रुपए महीने पे मजदूरी किया और मेहनत करके मैंने अपने मुकाम को मैंने हासिल किया और मैंने एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। 2010-11-12 तक एक जिंदगी का बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐशोआराम की जिंदगी जीने लगा। फिर मुझे मौका मिला बिहार में आने का, गांव में आने का। मैंने देखा कि हमारे लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। लोग चांद पे घर बना रहे हैं, चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो निषाद भाई है, जो गीत गला नोनिया मला, ये जो निषाद है इसको आज भी धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, दो वक्त का खाने का ठिकाना नहीं है, इनके लिए बिजली सड़क पानी नहीं है। और मैंने उसी रोज मैंने निश्चित लिया कि मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा और 2013 से लगातार बिहार में अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना चालू किया और लड़ाई लड़ते लड़ते हम उत्तर प्रदेश तक आए और हमने काफी समाज को जागरूक करने का काम किया। और उसी बीच में डॉक्टर साहब ने, उस समय जेल में थे, मैंने गोरखपुर जेल में जाके मिला और जेल से उनको बाहर भी मैंने निकाला, उनके पार्टी बनवाया, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम किए, हर जगह मैंने सहयोग करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया और मेरा यही था कि आप उत्तर प्रदेश को संभाले और मैं बिहार को संभालता हूँ और हम दोनों भाई मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। और जब हमें हमारी लड़ाई, यह निषाद का बेटा निषाद के साथ रहने वाला है और मजबूती से जो निषाद के हक अधिकार की बात करेगा उनके साथ रहेगा और डॉक्टर साहब अगर निषाद को आरक्षण दिला पाते हैं 2022 से पहले तो पूरा निषाद समाज जो है मैं भी उनके साथ रहूंगा। अगर वो आरक्षण नहीं दिला पाते हैं तो कम से कम 50 सीट से अधिक सीट पे गठबंधन करता है बीजेपी के साथ तो फिर हम लोग उनके साथ देंगे और पूरा मजबूती से मदद कर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मजबूती से उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी लॉन्च हो चुका है, 165 सीट हमने चिन्हित किया जिसमें से पूर्वांचल में 80 सीट है और पूरे प्रदेश मिला के 165 सीट है जिसपे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और निषाद का वोट जो है ना, निषाद वीआईपी पार्टी में जाने वाला और किसी के पास नहीं जाने वाला। और जो लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझता है ऐसे लोगों को आने वाले समय में बताएंगे कि निषाद का वोट निषाद के बेटा के साथ आएगा, सिर्फ हम बताएंगे नहीं, 15% वोट ला के दिखाएंगे। मैं यहाँ पे किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाला हूँ, मजबूती से लड़ूंगा। जो लोग निषाद का वोट अपना समझते हैं ऐसे लोगों को कम से कम 75 सीट हम चुनाव हराएंगे और तब जाके 2024 और 27 में आके उनको अकल आएगा कि निषाद के सामने झुकना पड़ेगा, निषाद का हक अधिकार देना पड़ेगा। जैसे अभी किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून को वापस लिया गया क्योंकि उनसे डरे, आज निषाद से डर नहीं रहे, निषाद को हल्के मिले रहे। तो इस बार हम लोग खेला करेंगे, खदेड़ा करेंगे और मजबूती से यहाँ पे हम लोग 15% वोट ला के और 75 सीट अगला को हराएंगे ताकि 2000 आने वाले समय में 24 से पहले निषाद को आरक्षण लागू कर दे दिल्ली सरकार, ये सुनिश्चित। आपको नेता मानते थे नहीं, समाज का बेटा समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था इसलिए सब उनके साथ है। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे साथ है। आज लखनऊ गोरखपुर में आप इतने बड़ा हजारों की संख्या में इतने बड़े हुजूम देख सकते हैं, तो निषाद का बेटा हूँ इसलिए मेरे साथ है। तो वो भी अगर सही नीति और नियत से चलेंगे तो फिर उनके साथ भी रह सकता है, लेकिन वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे। आपने देखा कि 2018 में कैसे साइकिल पे चढ़ गए, एगो टिकट पे समझौता कर लिया अपना पार्टी रहते हुए, 2019 में एगो टिकट पे समझौता
समझौता कर लिया, बेटा को अपना पार्टी रहते हुए बीजेपी का सिंबल पे लड़ा के बीजेपी का सांसद बना दिया, वो दुकान चला रहे। अभी भी यहाँ पे लड़के ज्यादा से ज्यादा सीट लेना चाहिए। यहाँ पे क्या किए, एक एमएलसी में बीजेपी के साथ चले गए, पहले सीट गठबंधन करना चाहिए उसके बाद जाना चाहिए, पहले आरक्षण लेना चाहिए उसके बाद जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो पार्टी नहीं चला रहे, दुकान चला रहे, और जो पार्टी चलाएगा निषाद उनके साथ रहेगा, जो दुकान चलाएगा निषाद उनके साथ। इस पे वो उनको सद्बुद्धि मिले, और ऐसे लोगों को तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को जुबान काट लेना चाहिए जो लोगों ने फूलन देवी के ऊपर उंगली उठा रहे, उनको पहले सीख लेना चाहिए, अपने गुरु लोग से बात कर लेना चाहिए कि क्या बोलना है। फूलन देवी को हम लोग आदर्श मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, पूरा दुनिया उनको मानते हैं कि उनके साथ अन्याय किया, तो पूरा दुनिया मानता है कि महिला जो है ना सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानता, उनके साथ अन्याय करोगे तो बदला भी लेना जानते हैं। मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, मजबूती से क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर संजय जी? निषाद जी से कहूंगा कि 2022 चुनाव से पहले आरक्षण दिलवाइए, आप भी लड़िए, मैं भी लड़ता हूं, दोनों भाई साथ मिलकर आरक्षण ले।